हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित या फिर कंप्यूटर जीके के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक दो टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका तीसरा टेस्ट है। ठीक है, याद रखिए टेस्ट या परीक्षा तभी दी जाती है जब हमारा सिलेबस या हम लोग कंप्लीट अपनी पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। तो याद रखिए हम लोगों ने जो 15 चैप्टर आपके ख़त्म किए हैं डिटेल में, उन्हें पढ़ लें, क्योंकि उन्हें नहीं पढ़ोगे आप लोग तो ये क्वेश्चंस सॉल्व तो हो जाएंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे ज़्यादा। तो आपने जो 15 चैप्टर ख़त्म किए हम लोगों ने, उन्हें आप लोग एक बार जाकर देख लें। ये 15 चैप्टर आपके कंप्लीट कंप्यूटर क्लास के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डली हुए हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में समझाए गए हैं और बहुत ही साधारण क्लास हैं, तो वहाँ जाकर देख लें। ठीक है, उसके बाद इन मॉक टेस्ट सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग तीसरे टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा QWERTY, कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजी होती हैं? तो इसमें होती हैं आपकी 104। कितनी? 104। सी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए और पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। ए और बी इसमें सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका डी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है तीसरा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं? शिफ्ट की को। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 4। निम्नलिखित में से किस समूह के में केवल इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित नीचे जो समूह दिए गए इनमें से इनपुट डिवाइस देखना है हमें, माउस कीबोर्ड स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है 5। निम्न में टॉगल की किसको कहते हैं? नम लॉक की को और कैप्स लॉक की को, यानी कि बी और सी ऑप्शन सही है, यानी कि आपका ई ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन है 6वां। यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? पोर्ट टाइप के लिए। सी ऑप्शन सही है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्सर कंट्रोल की नहीं है? होम की है, एंड की भी है, पेज मूव नहीं है इसमें, पेज डाउन भी है, पेज अप भी है, लेकिन क्या पूछा है? कर्सर कंट्रोल की नहीं है तो पेज मूव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 8। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने फ्रंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? बार कोड्स। डी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? क्या पूछ रहा है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस है, टैग बॉल भी है, बार कोड रीडर नहीं है, टच की स्क्रीन भी है, लाइट पैन भी है। तो क्या होगा 9 में? आपका सी ऑप्शन होगा। 9 में क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 10। स्कैनर को स्कैन करता है, स्कैनर को स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। सी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन है हमारा 13, क्या 11, सॉरी 10 के बाद 11। स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? साउंड कार्ड का। स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड का डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 11 में आपका सी। क्वेश्चन है 12। MICR में सी का पूरा रूप क्या है? कैरेक्टर। डी ऑप्शन सही है। 13, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से स्टेरियोफोन किसे कहते हैं? स्टेरियोफोन किसे कहते हैं? कैंस को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन, टेक्स्ट में आपको पोजीशन दर्शाने वाली ब्लैंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? कर्सर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? प्रोजेक्टर। 15 में आपका ए है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग के लिए होता है, किसके लिए? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 17। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर को पहचानता है। सेप। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर के सेप को पहचानता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 17, सॉरी 18। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? तो माउस है इसमें। 18 में आपका ए है। क्वेश्चन है 19। एक सिंगल USB पोर्ट से कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं? 127। कितनी? 127। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20। इलेक्ट्रो स्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका डी होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। किस में? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। क्वेश्चन है हमारा 21, क्या है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखिए, आपकी कंट्रोल।
क्या है, कंट्रोल की। 21 में आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 22, निम्न में से पिन प्रिंटर कौन सा है? पिन प्रिंटर, तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 23, अपनी रिपोर्ट का पहला क्या पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको का प्रयोग करना चाहिए? टैब की का, किसका? टैब की का, सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्त को स्टोर करता है स्कैनर। इसके रहे ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्त को स्टोर करता है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 25, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है प्रिंटर, बी ऑप्शन सही है 25 में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 26, ओसीआर को कहते हैं, ओसीआर को कहते हैं क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है, 27 में आपका प्रिंटर होगा, ए ऑप्शन सही होगा। 28 क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? डॉगलस इंजेली। इसमें आपका डॉगलस इंजेलवर्ट द्वारा। ठीक, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 29, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु का सर्वाधिक प्रयोग होता है, किसका? प्रिंटर का। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक, क्वेश्चन है 30, सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेज को के द्वारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका होगा क्या होगा? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 30 में आपका डी है, याद रखिए। क्वेश्चन है 31, मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, डी ऑप्शन सही है 31 में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 32, पैरेलल पोर्ट अक्सर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर। 32 में आपका ए है। क्वेश्चन है 33, स्मार्ट कार्ड 33 में क्या होगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, स्मार्ट कार्ड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। बात करते हैं 34 क्वेश्चन की, टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी की दबाए, तो इसमें होगा आपका ए होम। क्या है? टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए
होम कुंजी दबाएं, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 35, क्या है 35। निम्न में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर है? तो याद रखिए 35 में आपका सी होगा, लेजर प्रिंटर, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 36, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए नाम की दबानी पड़ती है, स्पेस बार। 36 में आपका ई होगा। क्वेश्चन है 37, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर की गति क्या है? इसकी है 20,000 LPM, ए ऑप्शन सही है 37 में, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 38, प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, डॉट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा 38। क्वेश्चन है 39, क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो यह आपकी फायर वायर, डी ऑप्शन सही है 39 में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 40, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा नहीं है, प्रिंटर है, प्रोसेस चिप है, प्रिंटर है, माउस है, ठीक है, इसमें डी होगा। 40 में क्या होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 41, ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? ऑप्टिकल माउस किसने बनाया? तो ये बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। 41 में आपका सी होगा, 41 में क्या होगा, सी। क्वेश्चन है हमारा 42, ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है बी, पॉइंटिंग डिवाइस का, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 43, किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस इकाई में मापते हैं? हर्ट्ज, एच जेड में, ए ऑप्शन सही है 43 में, ठीक है। क्वेश्चन 44, CRT आकार में होता है, वृत्ताकार, सॉरी इसमें CRT आकार में होता है, कैसा होता है, आयताकार, क्या होता है, आयताकार, बी ऑप्शन सही है। याद रखिया रखा करिए हमेशा, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है किसी क्वेश्चन का सही जवाब देने में, तो आप कृपया करके उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, जिससे कोई और आता है तो उसे सही आंसर पता चल सके, ठीक। वैसे तो मेरी तरफ से 100% कोशिश रहती है कि आपको सही आंसर बताया जाए, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आप लोग सुधार दिया करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 45, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को स्क्रीन कहते हैं, रिजुलेशन। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका ए ऑप्शन सही है। तो चलिए, ये था आपका कंप्यूटर GK का तीसरा मॉक टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट 4 को देखेंगे, ठीक है।